गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, कैसे हैं दगड़ियों? तो आशा है सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गरुड़ मार्केट से, गरुड़ मार्केट से भी थोड़ा ऊपर है हम लोग। और अभी आज हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर, जो कि नेगड़ी स्टेट में है, गोलब के पास। तो अभी हम उधर को जा रहे हैं। अभी हम शुरुआत मार्केट से कर रहे हैं, गरुड़ मार्केट से शुरुआत। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, तो अभी हम निकलते हैं नरसिंह मंदिर की तरफ। और आपको नरसिंह मंदिर का काफ़ी कुछ दर्शन कराएंगे। काफ़ी डाउन में है, काफ़ी नीचे है नरसिंह मंदिर, और काफ़ी कुछ है वहाँ पे देखने लायक। तो आज हम चल रहे हैं नरसिंह मंदिर और आपको दिखाएंगे नरसिंह मंदिर। तो चलते हैं नरसिंह मंदिर की तरफ। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ। बैजनाथ का मंदिर ये है, और भीड़ भी भरी है यार आज तो। नाव में बैठने का प्रोग्राम भी है था हमारा, पर काफ़ी दिनों से बारिश थी तो क्या कहते हैं, ये झील खोल रखी थी उन्होंने यहाँ से, आप ही बंद करिए आज। तो आप शाम को देखते हैं कल दिन में आने का प्रोग्राम। वो बहुत अच्छी खिली है लेकिन यार आज है। तो गाइस, अभी हम नरसिंह मंदिर के काफ़ी करीब हैं। ये नरसिंह मंदिर का रोड है, पिंगलू की तरफ जाती है। पिंगलू इधर को ही है, और नरसिंह मंदिर का जो गेट था यहाँ पे, अभी जो फॉन्ट था वो इसका कलर जो था उसमें निकल चुका है मौसम की वजह से। और ये जो सामने ये रोड है, ये जाती है ग्वालदम, थाली, कर्णप्रयाग और अपना केदारनाथ साइड को ये रोड जाती है। ये अपनी नीचे को रोड जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी बैठने के लिए वो बनाया है, विश्राम गृह बनाया है। काफ़ी लोग जो आते हैं थके वगैरह तो वो बैठते हैं। और यहाँ पे अभी पिंगलो बोले तो अपना नरसिंह मंदिर अभी चार किलोमीटर है इधर पे अभी। तो अभी हम नरसिंह मंदिर की तरफ जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। अभी भी 4-5 किलोमीटर है नरसिंह मंदिर, तो आपको दिखाते हैं नरसिंह मंदिर। गाइस, ये रोड है, तो अभी हम इस रोड में जाएंगे अभी 4-5 किलोमीटर और आगे, और आपको दिखाएंगे नरसिंह मंदिर। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और काफ़ी ढलान में है, काफ़ी नीचे बना हुआ मंदिर है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर। ये नरसिंह मंदिर का गेट है, बाकी ये ऊपर रोड पे हम अभी,
और मंदिर काफ़ी नीचे है, देख सकते हैं आप काफ़ी नीचे है मंदिर, वहाँ पे जाना है हमको अभी। और अभी स्टार्ट करते हैं नीचे का सफ़र, मंदिर का सफ़र। और यहाँ पे तो गैस अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ पैदल पैदल लगे हैं, रास्ता पैदल ही है। और अभी नीचे को तो काफ़ी स्लोप है पर ऊपर को चढ़ाई है, मैं जो तो अपनी टेंशन में आऊँगा कैसे। मैं तो आ जाऊँगा भाई, मेरा कोई नहीं है, तभी कहते हैं कम खाओ। आज यार मंदिर में भीड़ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है गाइस, आजकल काम हो गया घरों में। तो मैं तो मंदिर में अक्सर भीड़ रहा करती है, अलग अलग गांव से कम से दिन में दो चार पूजा आती रहती है इधर पे, लगता है कुछ हुआ होगा आसपास ना। और आज बिल्कुल सुनसान है मंदिर, आज देखते हैं आगे मंदिर जाके। तो दगड़ियों हम पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर, और ये है कुछ नरसिंह मंदिर है, ये है हमारा बहुत पुराना मंदिर है नरसिंह मंदिर। साथ में इसके अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ बन चुका है, मॉडिफाई हुआ है। ये यहाँ पे रसोई घर, सामने उधर भी रसोई घर है, ये नया पुराना रसोई घर है, वो नया बना है अभी रसोई घर। यहाँ पे कभी पूजा आती है, यहाँ पे भोजन वगैरह बनता है बाईस वगैरह में। फ्रेंड्स पहुँच चुके हम नरसिंह मंदिर, ये नरसिंह मंदिर का गेट है, और चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं मंदिर, दिखाते हैं मंदिर आपको कैसा मंदिर है। ये मंदिर का स्टोर रूम है, अब जहाँ पे बर्तन वगैरह रहते हैं, अभी बंद है, जब पूजा वगैरह होती है तब खुला रहता है। जय हो प्रभु। ये देखिए गाइस, ये है नरसिंह मंदिर। गाइस हम पहुँच गए नरसिंह, ये नरसिंह मंदिर है, और इसके अंदर नरसिंह भगवान जी की छोटी प्रतिमा है, जो कि अभी दिखा रहे हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और प्लीज़ अगर आपको मंदिर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड सपोर्ट भी। और ये मंदिर के बगल में छोटी सी नदी, तो गाइस ये है धुनी, यहाँ पे कभी जागर वगैरह होती है तो इसको धुनी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी आग वगैरह चलाई जाती है, पूजा पाठ भी इसको टाइल से कवर कर दिया है, बट यहाँ पे कभी पूरा खुला रहता था, धुनी चलती थी यहाँ पे, आग जलाया जाता था, पूजा पाठ होती है। और ये कुछ ऐसा है मंदिर का नज़ारा, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर नज़ारा है नरसिंह मंदिर का। अभी हम जा रहे हैं वापसी मंदिर से, और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें, साथ में हमारी भी। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर को, काफ़ी चढ़ाई है ऊपर को, काफ़ी ऊपर जाना है हमको, अभी उधर टॉप में जाना है। तो गाइस जा रहे हैं, सौरभ भाई पीछे रह गया हमारा, सौरभ भाई हेलमेट और बैग लेके आ रहा है। और हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर को, अभी एक